18 साल से थे, पहले आप क्यों नहीं दिए? अभी चुनाव के 2-3 महीने पहले दे दिए। 43 साल से कमलनाथ जी थे, 43 साल से कमलनाथ जी थे, फिर 1500 रुपए अभी क्यों? कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने चेहरा घोषित कर दिया, यहाँ विधायक की बात ही नहीं साहब, ये विधायक से ऊपर वाली बात है, मुख्यमंत्री के लिए। मैं इस चीज को नकारा ही नहीं शुरू से लेके कि कमलनाथ जी ने काम नहीं किया, मैंने नकारा क्या? नहीं नकारा। यदि इतनी स्ट्रांग पोजीशन है तो इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं छिंदवाड़ा? अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। हमारी सरकार है पर हम सरकार बचा नहीं पाए, तो जनता को ये विश्वास कैसे दिलाएंगे आप लोग? दार था ना, जिसकी खून में गद्दारी थी, गद्दार चला गया। देखिए सर, परिवर्तन जो है संसार का नियम, ये भली भांति आप भी जानते हैं, और सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, अब आप यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर है, नागपुर का विकास देखिए, वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट, नितिन गडकरी जी वहाँ पे है ना, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलवाई हैं, जैसे आप लाडली बहना योजना ले लीजिए, ठीक है, नकल वाली होगी, नकल मार दी उसमें, किसमें नकल मार दी? योजना भैया नकल मार दी, पहले तो माननीय कमलनाथ जी ने पहले घोषणा की नारी सम्मान योजना की, मैंने क्या बोला कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अभी त्वरित जो लाभ मिल रहा है वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी 1250 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से थे, पहले आप क्यों नहीं दिए? अभी चुनाव के 2-3 महीने पहले दे दिए। 43 साल से कमलनाथ जी थे, 43 साल से कमलनाथ जी थे, फिर 1500 रुपए अभी क्यों? किसने किया, किसने किया, कहाँ किए? नागपुर जाते हैं, रोज जाता हूँ, एम्बुलेंस का काम है सर मेरा, वही पूछ रहा हूँ, आप नागपुर जाते हैं, रोज जाते हैं, मालिक नगर है, सबके माँ बाप अच्छे रहे, उससे पूछिए कि जो विकास की, जो मेडिकल कॉलेज का जो विकास रुकवा दिया गया, जो बजट बताता हूँ साहब, वो जो है सिर्फ बिल्डिंग बनी है, आज उस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज के साथ ना कार्डियोलॉजिस्ट है, जो मेन जरूरत है, सुन तो लो बात, तो सुन लो, आप ही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया, मैं मानता हूँ, आज वहाँ ना कार्डियोलॉजिस्ट है ना न्यूरोलॉजिस्ट है, जनरल अभी आप वहाँ पे जाके देखिए, गंदगी का आलम देखिए आप साहब, सब कुछ चीजें, अगर आप उस चीज को मान भी ले, सरकार तो भाजपा की, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, तो भाजपा की सरकार है भैया, भैया सुन तो लो, भाजपा की सरकार है, आप समझ क्यों नहीं रहे, भाजपा की सरकार है, शिवराज जी की, सिंह जी की सरकार है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को, आप जो कमलनाथ जी के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल के पल्ला झाड़ लेना, ये तो एक अलग बात होती है भाई, सातों विधायक आपके यहाँ पे हैं, सातों विधायक आप, सुनिए तो, आप सड़क, आपके सातों विधायक हैं, कैसे नहीं होता, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, शासन किसकी है, शासन प्रशासनिक व्यवस्था है, चुनता तो आदमी, रुक जाइए, चुनता तो आदमी विधायक है ना, पहले जवाब दे तो विधायक की होगी, हमने विधायक, उसके बाद सरकार की होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया, इनको इतना डर लग रहा, चेहरा घोषित कीजिए ना, जैसे कि आराम ज्योतिरादित्य सिंधिया को उधर से कर दिए थे, इधर से कमलनाथ को, राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह को, तीन तीन चेहरे कर दिए थे उनने, तो मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब इतना विकास किया है, इतना सब कुछ, अरे यार ये आदमी भैया माइक दे दे रहा, आप बोलो आधा घंटा पहले, इतनी देर जो है, नहीं भड़ास है ना, निकाल दो, एक एक करके बोलो ना, जब इतना विकास किया हुआ है, 18 साल से आप शासन में है, सब चीज आपका, अभी तो आपका ये चुनाव 17 तारीख को वोटिंग पड़नी, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अभी ये घोषित नहीं हो भारतीय जनता पार्टी, और आप जो बोल रहे हैं कि पहले तो विधायक चुना जाता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने चेहरा घोषित कर दिया, यहाँ विधायक की बात ही नहीं साहब, ये विधायक से ऊपर वाली बात है, मुख्यमंत्री के लिए। देखिए मैंने बताया ना, नहीं 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 मैं बोल तो बोल लो, फिर बोलने दे, बोलने दे, बोलना नहीं, सब कांग्रेसी खड़े हो, एक आदमी भाजपा से आया है, अब वो बोल रहा है काम की बात, विकास के लिए काम की आप बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को नकारा ही नहीं शुरू से लेके कि कमलनाथ जी ने काम नहीं किया, मैंने नकारा क्या? नहीं निकाला। जहाँ तक बात जो है अभी प्रत्यक्ष बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भैया ने बोले कि वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो है वो चोरी कर लिए है ना, वो कमलनाथ जी ने पहले ही कर दिए थे, मैं कह रहा हूँ भाई प्रत्यक्ष जो दे रहा है
मैं तो उसकी बात करूंगा ना। 1500 बढ़ा के देंगे ना, 1500 देंगे उनको, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, बच्चों के लिए 1 से 8। सुन लो, सुनो सुनो, 1 से 8 तक बच्चों के लिए 500 का कर्जा माफ हो रहा था। 2.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हो रहा था। माफ हुआ है, भाजपा के मंत्री ने सदन में बोले हैं इस चीज को स्वीकार कर, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इस चीज को नहीं। और भाई साहब एक चीज और बता दूं, आपके पिछले बार मेरा नहीं हुआ, मेरा अगर चल रहे कागज दिखाऊं, मैं भी किसान हूं। मेरी सुनो, आप लोग एक साथ बोल रहे हो, पिछले बार प्रधानमंत्री जी भी आए थे छिंदवाड़ा में, तब भी कुछ नहीं हुआ, सातों की सातों सीट कमलनाथ जी ने लेके आए। इस बार अमित शाह आ जाए या कोई आ जाए, छिंदवाड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ता, कमलनाथ जी लोगों के दिल में बसते हैं। कमलनाथ जी का विकास बोलता है, योगी जी आ रहे हैं, यदि इतनी स्ट्रांग पोजीशन है तो इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं छिंदवाड़ा? अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्योंकि ये एक शेर से, ये हमारा एक शेर ना सब पे भारी है, स्टार प्रचारक है, ठीक है भैया, स्टार प्रचारक है, वो तो आएंगे ही ना। आपके राहुल गांधी आ रहे हैं, मतलब जहाँ राहुल गांधी आए वहाँ बीजेपी की स्थिति खराब है क्या? कांग्रेस के पास वहाँ जहाँ कांग्रेस के पास भी स्टार प्रचारक है, पर एक प्रचारक क्यों नहीं उतार रहे हैं कमलनाथ जी? क्योंकि कमलनाथ जी ने काम, कमलनाथ जी ने, अरे आपके नंबर पूरे हो गए भैया, कमलनाथ जी ने काम किया है, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना, उनका काम धरातल पे दिखता है। और इन्होंने कुछ किया नहीं है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, वीडी शर्मा जी, सब बड़े बड़े लीडर। भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किया था पिछले 20 साल में, तो बार बार उनकी सरकार चुन के क्यों आ रही थी? तो छिंदवाड़ा में कहां आ रही, छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी को ही ला रहे, छिंदवाड़ा देश की बात कर रहे, प्रदेश में तो अब कमलनाथ जी अब आ ही रहे ना, प्रदेश की एक एक जनता। रुक जाइए भाई साहब, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं यार। आप लोग का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट 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 वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबिलाईजर का खर्चा, टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबिलाईजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबिलाईजर के साथ। V-Guard, India's number one स्टेबिलाईजर। तन के साथ मन को जगाओ, V-Guard वॉटर हीटर्स के संग V-Guard। 18 बहुमत कांग्रेस को मिला, मैं कांग्रेस नेता से मिला, उन्होंने बोला कि भाई कहीं ना कहीं हमारी एक कमी थी कि हमारी सरकार है पर हम सरकार बचा नहीं पाए, तो जनता को ये विश्वास कैसे दिलाएंगे आप लोग कि सरकार आई तो बची रहेगी, बनाए रहेंगे? सुनो, जो गद्दार था ना, जिसकी खून में गद्दारी थी, गद्दार चला गया। अब खून में गद्दारी, रानी लक्ष्मी बाई के साथ गद्दारी किया था, रानी लक्ष्मी बाई के साथ जिनने गद्दारी किया तो कांग्रेस से कौन सी बड़ी बात। आज से 2-3 साल पहले भी ये सोचते जब कांग्रेस में, बिल्कुल जब वो कांग्रेस में थे सिंधिया, लंबे समय तक सांसद रहे, केंद्र मंत्री रहे, है ना, कांग्रेस के बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में, तो आज आप भाजपा में, तो पहले भी आप लोग यही सोचते थे इनके बारे में? उस समय हमको लगा था कि इनके खून में बदलाव हो गया है, अब ये देशभक्त हो गए, पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके खून में गद्दारी छे, उनका खून में बदलाव इतिहास में है, आप देख सकते हैं। गंदगी साफ हो गई MP से, अब सिर्फ कमलनाथ जी CM बनेंगे।